टीवी से बॉलीवुड तक कुछ ऐसा था सुशांत सिंह राजपूत का करियर, इन फिल्मों ने बनाया स्टार। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम उन स्टार्स में शुमार है जिन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय किया। सुशांत ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी है। आज सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है, उनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था। सुशांत आज 34 इयर्स के हो गए हैं। सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 टीवी सीरियल किस देश में मेरा दिल से की थी, लेकिन उन्हें सही मायने में पहचान मिली थी सीरियल पवित्र रिश्ता से। इस सीरियल में सुशांत के साथ एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी नजर आई थी। इसके बाद सुशांत ने साल 2013 में फिल्म कायको 6 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में सुशांत की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। पहली ही फिल्म से दर्शकों और समीक्षकों की वाहवाही लूटने के बाद सुशांत ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर स्पोर्ट्स आदि जॉनर की फिल्में की और सभी में उम्दा काम किया। आज सुशांत के जन्मदिन पर हम आपको उनके करियर को ऊंचाइयां देने वाली फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। फिल्म कायको 6, इस लिस्ट में पहला नाम आता है साल 2013 में आई फिल्म कायको 6 का। सुशांत की ये फिल्म 3 युवाओं के जीवन पर बेस्ड थी। इसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार प्ले किया था जिसका खेलों में रुझान होता है। इस फिल्म में सुशांत की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। वहीं उन्हें फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू के लिए नामित किया गया। शुद्ध देसी रोमांस, सुशांत की दूसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस थी। इस फिल्म में उन्होंने एक रोमांटिक लड़के का किरदार प्ले किया था। फिल्म में वह एक साथ दो एक्ट्रेसेस वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ रोमांस करते नजर आए थे। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, सुशांत के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण किरदार रहा फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को निभाना। ये फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक थी। ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। बिहार में ही पैदा हुए सुशांत को इस फिल्म में उसी बोली के साथ काम करने का मौका मिला। इस मूवी के लिए सुशांत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया। केदारनाथ, सारा अली खान के साथ सुशांत साल 2018 में फिल्म केदारनाथ में नजर आए थे। इस फिल्म में सुशांत सिंह एक मुस्लिम युवक मंसूर खान के रूप में नजर आए थे। ये फिल्म केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा को केंद्र में रखकर बनी है। छिछोरे, सुशांत सिंह के पिछले साल रिलीज हुई फिल्म छिछोरे 5 दोस्तों की कहानी पर बेस्ड है। इस फिल्म में सुशांत के साथ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल में नजर आई थी। फिल्म के गानों को काफी पसंद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel.